इतना बच गया क्या? अरे मुझे तो आपके लिए वीडियो भी बनानी है यार, इसका रिव्यू। अरे यार मैं ये म्यूजिक बनाने में बैठ गया यार। चलो करते हैं। Alright, so I'm hoping you guys know what a MIDI keyboard is, right? By chance, if you want me to repeat it, MIDI keyboard is a kind of keyboard जिसको आप जब बजाते हो तो उसमें जो performance हो रही है, यानी कि आप जो बजा रहे हो, है ना, किसके बाद कौन सा note बजा रहे हो, किस रफ्तार से बजा रहे हो, कितने जोर से बजा रहे हो, ये सारी जो performance वाले जो information होती है उस information को वो computer तक send करता है, लेकिन कोई sound send नहीं करता है। तो बस information send कर रहा है performance की, और उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम एक साउंड अटैच कर देते उसके साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बजाया, उसके साथ मैंने वहाँ पे पियानो का साउंड अटैच किया है, तो ये परफॉर्मेंस पियानो के टोन में बजेगी। अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल गिटार का साउंड वहाँ पे ऐड किया है, तो ये परफॉर्मेंस गिटार की टोन में बजेगी। परफॉर्मेंस को मैं बजा कर भेज रहा हूँ, साउंड को मैं अंदर लगा रहा हूँ, दैट इज़ द मेन फंडा। इस तरीके से मिडी चलता है। हर एक चीज़ होता है इसमें, लेट्स से आपका सस्टेन पेडल हो गया, वॉल्यूम ऊपर नीचे करना, पिच बेंड, व्हील मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा अभी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भेजते हो, जस्ट यू डू नॉट सेंड द साउंड। साउंड के लिए आप डिपेंड करते हो कंप्यूटर के अंदर जो भी साउंड आपके पास है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए, आपको कीबोर्ड बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है, नाउ इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एम ऑडियो की जो है ब्रांडिंग लगी हुई है, राइट, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ओवर हियर। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ट्रिगर पैड्स मिल रहे हैं, मैं सबका काम आपको बताऊँगा क्या होता है। फिर यहाँ पे देखो आपको नॉब्स मिल रहे हैं, रोटरी नॉब्स, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट नॉब्स नहीं है, मतलब ये लेफ्ट से लेकर राइट तक जाके ख़त्म हो जाता है, इसके बाद घुमा नहीं सकते हो। तो कुछ कुछ कीबोर्ड्स में आते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट नॉब्स होते हैं, यानी कि आप इसको घुमाते चलोगे और ये घूमता भी चलेगा, ये रुकने वाला है नहीं। बट इस केस में वो नहीं है, ऑक्सीजन में ये रुकने वाला है। यहाँ पे आपका जो है लूप का बटन दिया हुआ है, ये सिंबल लूप का होता है, ये स्टॉप प्ले एंड ये रिकॉर्ड का बटन है। ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड विकॉर्ड की बात हो रही है, ये आपके डॉ के लिए है, यानी कि आप जब इस कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे तो कंप्यूटर में जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सारे काम इन बटन से होने चाहिए। इसके बगल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 फेडर्स दिए हुए हैं। फेडर्स मतलब इस टाइप के यू नो चीज़ें। तो फेडर्स का क्या होता है कि एकदम नीचे रखोगे तो वॉल्यूम जीरो, एंड ऊपर करोगे तो वॉल्यूम सबसे हाई होता है ना। वॉल्यूम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो है वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, बट अगर आप चाहते हो आप इसको दूसरे काम के लिए भी यूज़ आराम से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उन सारे फेडर्स के नीचे एक एक करके बटन दिया हुआ है, इन बटन्स को आप दबाओगे तो इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। जनरली डॉ में जब हम यूज़ करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर जो भी फेडर आप देख रहे हो उससे जो भी इंस्ट्रूमेंट की वॉल्यूम हम कंट्रोल कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम म्यूट या अनम्यूट कर पाते हैं टिपिकली ये पर्टिकुलर बटन्स को यूज़ करके। और उस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बटन है ऑटो करके, तो इसको अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइट है जो जल जाती है। फिलहाल तो कीबोर्ड ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे पावर वाली बत्ती है, ये लाइट जल जाती है जैसे ही कीबोर्ड ऑन होता है, मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ पे एक एडिट का बटन दिया हुआ है, शिफ्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन है, यू नो इट इज़ नॉट लाइक कि आप कैशियो वैशियो कीबोर्ड में जो स्क्रीन मिलती है वैसा नहीं है, छोटा सा है एंड सिर्फ नंबर डिस्प्ले होता है उसमें। यहाँ पे आपको ऑक्टिव डाउन एंड अप का बटन मिल जाता है हियर, एंड ये जो है आपका मॉड्यूलर व्हील है, है ना। तो मॉड व्हील आपको नॉर्मली नहीं मिलता है, आपका जो मेरे पास जो 8000 IN था उसमें मॉड व्हील नहीं मिलता था, तो यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये जो है आपका पिच बेंड व्हील है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का जो है, मतलब बटन्स वगैरह सब कुछ है, और ये 61 कीज हैं। एंड सो ये आपका फिजिकल ओवरव्यू है, और इसके पीछे जो है एक सस्टेन पेडल लगाने के लिए जैक है जिसके साथ मेरा ऑलरेडी सस्टेन पेडल कनेक्टेड है, और एक ऑन ऑफ बटन है जिसको आप ऑन ऑफ करेंगे तो ये कीबोर्ड ऑन एंड ऑफ होगा। इसके लिए अलग से पावर केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मिडी केबल से कनेक्टेड है। मैं जो मिडी केबल मेरे कैशियो में यूज़ करता था, द सेम मिडी केबल इज़ वर्किंग हियर ऑल्सो, तो वही मिडी केबल से मेरे कंप्यूटर में कनेक्टेड है वो। और इसको जब ऑन कर देंगे पीछे वाला बटन तो ये पावर वाली बत्ती जो है जल जाएगी, देखो। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे देखो पावर वाली बत्ती जो है वो जल गई है, ठीक है। और उसके नीचे जो ग्रीन बत्ती है, जैसे मैंने बोला अगर आप ऑटो मोड को ऑन करेंगे तो वो ग्रीन बत्ती आपकी जल जाती है, बट ऑब्वियसली राइट नाउ उसको छोड़ देते हैं, बाद में समझते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की फील के बारे में। नाउ मैं जेनरिकली यूँ बोल सकता हूँ कि कीबोर्ड जो है इसके सिंथ एक्शन कीज़ हैं, ठीक है, पियानो एक्शन कीज़ नहीं है। इस प्राइस में आपको पियानो एक्शन कीज़ मिल भी नहीं सकती, दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूँ मेरे कैशियो के साथ, कैशियो 8000 IN जो मेरे पास था उससे इसकी कीज़ अच्छी है।
ही इज अ बेटर देन दैट ओके. तो इसका जो वेलोसिटी रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बेटर है उससे. कैशियो के जो कीज हैं उसका वेलोसिटी रिस्पॉन्स अभी ई एम मिलने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उसका वेलोसिटी रिस्पॉन्स उतना खास था नहीं. ऑब्वियसली जिस सेगमेंट को 8000 आईएन टारगेट कर रहा है उसके लिए दैट इज फैब्यूलसली गुड. वंस अगेन आई एम नॉट टेलिंग इट इज बैड, लेकिन मिडी में ये जो वेलोसिटी रिस्पॉन्स मुझे दे रहा है, जहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करते टाइम लेट से जो एक्सप्रेशन मैं निकाल पा रहा हूँ इससे, दैट इज मच बेटर देन व्हाट आई वाज बीइंग एबल टू डू फ्रॉम माय कैशियो 8000 आईएन. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग. अच्छा, सेकेंडली बात करते हैं की के टेक्सचर के बारे में. तो ये जो कीज हैं ये बहुत ही, जो व्हाइट कीज हैं स्पेशली, ये बहुत ही प्लेन सी है, मतलब बहुत ही स्मूथ सी है. ठीक है, एंड ये जो ब्लैक कीज हैं वो थोड़े से रफ हैं. नाउ ये मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो व्हाइट एंड ब्लैक कीज हैं उनमें आप टेक्सचर जो होता है उसकी फील में आप चेंज कर रहे हो. तो आप जब आंख बंद करके बजा रहे हो ऐसे, है ना, तो यू कैन लिटरली फील दैट कि भाई उंगली मेरी कहाँ गिर रही है. कि मतलब आप जब कीबोर्ड की तरफ बिना देखकर बजाते हो तो आपको जो हाथ सेट करना पड़ता है उसमें थोड़ी सी आपको बेनिफिट, थोड़ी सी सुविधा दे रही है, है ना. टच करके नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे. फॉर्चुनेटली वीडियो में मैं आपको टच नहीं करवा सकता हूँ, वरना मैं वो भी करवा के दिखा देता, राइट. तो स्मूथ एंड ये थोड़ा सा रफ. अच्छा, ये जो ट्रिगर पैड्स हैं, एक चीज़ समझो, इसके जो ट्रिगर पैड्स मैंने बोला, इनका ऐसा है कि इसमें 5 ऑक्टेव है, राइट. तो ये आपका अगर फर्स्ट ऑक्टेव हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, अगर इसके पहले वाला एक ऑक्टेव अगर होता तो उस ऑक्टेव में जो नोट्स होते हैं उन नोट्स को ट्रिगर पैड पर डाल के रखा हुआ है. अभी आप बोलोगे कि उतना नीचे का नोट मैं लेकर करूँगा क्या, जनरली मुझे नहीं चाहिए होता, क्योंकि मेरा, मैंने आपको बोला यहाँ पे ऑक्टेव शिफ्ट का बटन है, मैं ऑक्टेव को शिफ्ट करा के मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, तो ट्रिगर पैड मेरा क्या काम करेगा. देखो इसको अच्छे से समझो, ट्रिगर पैड टिपिकली यूज़ होता है या तो ड्रम बजाने के लिए, ड्रम्स जो होते हैं ना, डिक डिक टक टिक डिक, ये सब ट्रिगर करने के लिए एक होता है. दूसरा होता है सैम्पल ट्रिगर करने के लिए. सैम्पल मतलब क्या, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक, लाइक आप एक लाइव म्यूजिक बजा रहे हो, उसमें आपको पुट योर हैंड्स अप ऐसा कुछ आपको मैसेज, तो आपने पहले से रिकॉर्ड करके रख के इसमें डाल दिया, तो अब जब कर रहे हो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस उसको दबा दो, खुद ही उस साउंड को बजा देगा. या फिर अगर आप लाइव बजा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर बीट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए वी विल रॉक यू, ये सुने हो ना, डिग डिग क्रैक डिग डिग क्रैक, तो इस चीज को रिकॉर्ड करके आप उसमें डाल सकते हो. वंस अगेन आप इसमें साउंड नहीं डाल सकते हो, साउंड आपके कंप्यूटर में होगा, इसे ट्रिगर करा सकते हो, तो वो लूप में चला सकते हो. या फिर जैसा मैंने बोला कि यू नो लाइक पुट योर हैंड्स अप ऐसा अगर बोलना है तो उसको आप बोलकर रखो, उसको लूप में मत चलाओ. तो इसको हम लूप में या फिर बिना लूप में, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम लूप में यूज करते हैं तो उसको लूप ही कहते हैं, अगर हम लूप में नहीं यूज करें तो उसको सिंगल शॉट कहते हैं. ठीक है, सिंगल शॉट या फिर सिंगल हिट कहते हैं, कि एक बार में जो है वो करके रुक जाएगा. ठीक है, मतलब दो बार दबाएंगे दो बार करेगा, बट नॉर्मली एक बार दबाने से एक बार करके रुक जाता है. और लूप वाले में एक बार दबा के छोड़ देंगे तो अपना बजता चलेगा, रुकेगा नहीं जब तक ना आप उसको रोकने के लिए कुछ कर रहे हो. ठीक है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसमें आपको मॉड्यूलर व्हील मिलती है. तो ये जो मॉड व्हील जो होती है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स. कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेशली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं कुछ कॉर्ड्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मॉड व्हील मेरा एकदम नीचे है, तो मैं जब दबा रहा हूँ उसको करके इस तरीके से दब रहा है, एकदम ऐसे गंभीर से आवाज आ रही है करके, और जैसे मैं मॉड व्हील को रोटेट कराऊंगा, मतलब नीचे से ऊपर तक लेके चला जाऊंगा, तो साउंड खुल जाएगी. मान लीजिए समथिंग लाइक दिस, यू नो, ओपनिंग अप. ये बहुत ही फनी लगा, यस, बट यू गॉट द पॉइंट. वो इस तरीके से खुल जाएगा, या फिर आप नीचे करोगे तो ऐसे बंद हो जाएगा. तो ये सारे इफेक्ट्स आप कर सकते हो मॉड व्हील के साथ. जनरली पियानो प्लेइंग ये सब में तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, बट कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इसको यूज़ करके ऐसा ऐसा जो है इन चीज़ें कर सकते हो. एंड वंस अगेन, ये सारी जो बटन्स हैं, सारे जो व्हील्स हैं, जो भी हैं, ये रीप्रोग्रामेबल हैं. मतलब मैं इस मॉड व्हील को एज अ सस्टेन भी यूज़ कर सकता हूँ. तो इसको अगर मैंने एकदम नीचे ऑफ करके रखा तो मेरा सस्टेन नहीं है, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर लेते चला जाता तो मेरा सस्टेनिंग एबिलिटी, वो जो कीबोर्ड में होती है, वो बढ़ती चल रही है. एकदम ऊपर तक जब टच हो गया जो है पूरा सस्टेन ऑन हो गया मेरे कीबोर्ड के लिए. दैट ऑल्सो कैन बी डन. अच्छा, ऑक्टिव शिफ्ट का जो बटन है, आप उसमें ऑक्टिव शिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हो. अगर आप सस्टेन पेडल यूज नहीं कर रहे हो तो ऑक्टिव शिफ्ट जैसे ही करने जाओगे आपकी साउंड जो है कट जाएगी, है ना, जो साउंड प्ले हो रही थी वो तुरंत कट जाएगी अगर आपने ऑक्टिव शिफ्ट दबा दिया बीच में तो. बट अगर सस्टेन पेडल है तो आप उसको बचा सकते हो. तो सस्टेन पेडल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. एंड बाकी जो है इसमें स्प्रिंगी एक्शन नहीं है की में, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्प्रिंगी नहीं लगती है. जो यामा के लोअर सेगमेंट कीबोर्ड में जो होता है ना, बहुत ही स्प्रिंगी. कैशियो के कीज़ बहुत नरम होते हैं और यामा के कीज़ बहुत स्प्रिंगी होती है. तो ये जो चीज़ है ये दोनों ही इसमें नहीं है, क्योंकि देखो यार मिडी कीबोर्ड के रेंज में दिस इज एक्चुअली अ गुड वन.
ऑनेस्टली, क्योंकि मिडी कीबोर्ड आपको 6000 रुपए का भी मिल जाता है, तो सैमसंग का एक आता है, कभी मत खरीदिए, बहुत खराब है वो, लिटरली बहुत खराब है, सैमसंग कार्बन 49, डू नॉट बाय दैट। बट एनीवेज द मेन आइडिया इज कि ये सब जो है, तो ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें हायर प्राइस रेंज में आ रहा है इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल मिडी कीबोर्ड्स, तो इसके लिए जो है इसमें आपको थोड़ा सा की एक्शन बेटर देखने को मिल जा रहा है। सो दैट्स मोर ऑर लेस व्हाट वी हैव अबाउट दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड। अच्छा, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने परचेस कहाँ से किया है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं जैसे यूजुअली अमेजोन से खरीदता हूँ, मैंने नहीं खरीदा इस बार, ठीक है। आई लिटरली हैड पुट एन ऑर्डर इन अमेजोन, अमेजोन में ये 19,499 का आ रहा था, मतलब 19,500 का आ रहा था। आई फाउंड आउट देयर वॉज अ वेबसाइट कॉल्ड राज म्यूजिकल्स, आप सब लोगों ने देखा भी होगा आई गेस सो। राज म्यूजिकल्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे टिपिकली प्राइसेस थोड़ी कम होती है, और राज म्यूजिकल्स मुझे कहाँ से पता चली, क्योंकि अमेजोन पे जो सेलर इसको बेच रहा था, सेलर का नाम आता है ना, वो राज म्यूजिकल्स ही था। तो मैंने राज म्यूजिकल्स को विजिट किया, यानी कि आई मीन देयर वेबसाइट आई विजिटेड, राइट। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही दिलचस्प ऑप्शन मिला कि ये लिखा हुआ था कि भाई अगर आपने हम जो प्राइस दिखा रहे हैं उससे कम प्राइस में आपने और कहीं दिखाया तो हमको बताओ, हम उससे एक कंपेरेटिव प्राइस में आपको दे देंगे। सो दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर वॉज अनदर वेबसाइट कॉल्ड प्रो ऑडियो बैंड्स, आई गेस प्रो ऑडियो बैंड्स, जो इसको 18,400 में बेच रहे थे, ठीक है। राज म्यूजिकल्स इसको बेच रहा था 18,900 में, एंड Amazon राज म्यूजिकल से लेकर ही बेच रहा है 19,500 में, मतलब कि ऐसे ही बढ़ जा रहा है बिकॉज Amazon की गारंटी मिल रही है, रिटर्न विटर्न हो जाएगी, है ना, खुद से वो पिकअप करके लेके चले जाएंगे खराब होता, सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। तो वो तो आप मतलब वो बिल्कुल जायज़ है उनका एक्स्ट्रा लेना, बट द पॉइंट वॉज दैट आई वॉन्टेड टू प्ले अ गैम्बल ओवर हियर, मुझे लगा कि चलो खेल कर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने राज म्यूजिकल्स की वेबसाइट पर जाके प्रो ऑडियो बैंड की ये स्क्रीनशॉट एंड उनकी URL डालनी पड़ती है, डालकर मैंने बोला कि भाई देखो ये जो है सो है, ये मुझे सस्ते में मिल रहा है, अब बोलो तुम दे सकते हो कि नहीं। एंड गेस व्हाट, राज म्यूजिकल्स ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया क्योंकि फ़ोन नंबर देना था वहाँ पे, दे ऑफर्ड मी इन 18,200। तो ये कीबोर्ड मैंने 18,200 में लिया है, जबकि अमेजोन लिस्टिंग में इसकी प्राइस है 19,500। तो आई गॉट अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 1300 रुपये मेरे कम हो गए, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू, क्योंकि ये जो प्राइस मैच फीचर है कि भाई और कहीं अगर सस्ते में मिले तो बता, मैंने bajao.com भी देखा था, bajao.com में भी प्राइस मैच फीचर है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग ऑन कैमरा, आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग देम, आई डिड ड्रॉप एन ईमेल, देर वॉज नो रिवर्ट नहीं किया उन्होंने, बट दिस गाइज डिड इट। सो ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड इट, दिस इज डेफिनेटली नॉट स्पॉन्सर्ड बाई देम, राज म्यूजिकल मुझे क्यों स्पॉन्सर करेगा, पहली बार उनसे सामान खरीद रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट दैट, मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि अच्छा है, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, है ना। उनका एक व्हाट्सअप नंबर उनकी साइट पर है, उस पर बात करो, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइस देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि नहीं चलो थोड़े दिन बात कर सकते हो अच्छे से, तो हो सकते हो प्राइस गिरा भी सकते हो, यू नो थोड़ा बहुत, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन रियली यू नो लुक इन टू। एंड एज फार एज आई नो राज म्यूजिकल्स भी आपको जो है रिटर्न पिकअप की जो है सुविधा देती है, मतलब आपने सामान खरीदा, सामान आपके पास पहुंचता है ठीक नहीं है, तो दे गिव यू एन ऑप्शन फॉर रिटर्न और रिप्लेसमेंट और समथिंग, तो ये ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो वेलोसिटी के बारे में मैंने बात की ना अभी कि कैशियो से बेटर है, तो इसका वेलोसिटी कर्व इसमें है टोटल 7। इसका जो डिफॉल्ट वेलोसिटी कर्व आता है वो कर्व मुझे अच्छा तो लग रहा था कैशियो से, आई वॉज जस्ट थिंकिंग फॉर इफ आई कैन गेट समथिंग मोर बेटर, एंड गेस व्हाट आई फाउंड वन। ओके, तो इसमें आप वेलोसिटी कर्व चेंज कर सकते हो, एक्चुअली बहुत सारी फंक्शनलिटी है, वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन वन वीडियो। मैं एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, किसी इंग्लिश वाले ने बनाई है, बट दैट इज द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो एवर ऑन AMOD ऑक्सीजन 61 और ऑक्सीजन 49 जो भी है, हर एक फंक्शन वो कर करके दिखाए हैं। उस वीडियो को देखकर मैंने खुद सीखा है कि भाई ये कैसे चेंज कर रहे हैं, तो आई विल पुट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड रेफर टू दैट फॉर द डिफरेंट फंक्शनलिटीज, बट वो आपके लिए तभी रिलेवेंट होगा अगर आपके पास ये कंट्रोलर है, या फिर अगर आप ये कंट्रोलर खरीदने का सोच रहे हो। अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आपको नहीं खरीदना है तो वीडियो मत देखो, क्योंकि दैट इज नॉट अ रिव्यू, दैट इज जस्ट फंक्शनलिटीज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एज अ सॉफ्टवेयर बंडल आपको Ableton Live Lite आ जाती है, आई थिंक Pro Tools First भी आ जाती है, बट Pro Tools First जो है वो वैसे भी फ्रीली डाउनलोडेबल है Pro Tools की वेबसाइट से, सो दैट इज नॉट अ बिग थिंग दैट दे आर इंक्लूडिंग ओवर हियर। बट Ableton Live Lite जो है वो आप डाउनलोड तो कर लोगे, लेकिन आप उसको इंस्टॉलेशन करके उसको ऑथराइजेशन के लिए की चाहिए होती है, तो वो की आपके पास नॉर्मली नहीं होती है, राइट। एंड Ableton Live Lite इसके साथ आपको की आ जाती है, उन की को आप वहाँ पे डाल के उसको ऑथोराइज करा सकते हो, एंड आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन यू नो इफ समवन वांट्स टू गो विथ टॉरेंट एंड ऑल दोस थिंग्स दे कैन डू इट, बट द पॉइंट इज कि
आपको लीगली मिल रहा है इसके साथ, तो लीगल वाला वर्जन यूज़ करना ठीक रहता है, राइट। एंड आपको पता है मैं मिक्सक्राफ्ट यूज़र हूँ, मैं मिक्सक्राफ्ट का पेड यूज़र हूँ, आई लिटरली हैव बॉट दैट थिंग, बट फ्रॉम टुडे मॉर्निंग आई स्टार्टेड ट्राइंग एबल्टन लाइव एंड लिटरली जो काम मैं 15 मिनट में कर सकता हूँ मिक्सक्राफ्ट में, जितना म्यूजिक मैं बना सकता हूँ उतना ही म्यूजिक है, फिर उससे भी कम म्यूजिक मुझे बनाने में मुझे 6 से 7 घंटे लग गए। एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट बिकॉज एबल्टन इज बैड और समथिंग, बिल्कुल नहीं है, एबल्टन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू मिक्सक्राफ्ट। मिक्सक्राफ्ट में वो सारे ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं जो मुझे टिपिकली चाहिए होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई शुड नॉट लुक फॉर एन अपग्रेडेशन, यू नो, क्योंकि अभी देखो मेरे पास टाइम है। नॉर्मली क्या होता है, आप डॉ अपग्रेड करना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है अगर आप प्रोजेक्ट के बीच में हो कुछ, क्योंकि आपको शॉर्टकट कीज नहीं पता होंगी उसकी, आपको हजारों चीजें नहीं पता होंगे नए डॉ के बारे में, है ना। तो बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम दैट आई कैन एक्चुअली अपग्रेड माई सेल्फ, तो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ अपग्रेडिंग टू एबल्टन लाइव। लाइट वर्जन तो मेरे लिए थोड़ा लिमिटेड लगेगा, बट देखते हैं, इसको अगर अच्छा लग गया तो देन प्रोबेबली आई विल परचेज द स्वीट वर्जन जो उनका आता है, हो सकता है। सो ये एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। एंड एक्सपैंड टू सोनी वॉक्स, ऐसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सबको मिल जाते हैं, आई मीन सॉफ्टवेयर साउंड्स लाइक VST इंस्ट्रूमेंट सबको मिल जाते हैं, बट एबल्टन के अंदर जो साउंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे VSTs थे ही जो मैं अब तक काम कर रहा था। सो और आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने ये कीबोर्ड खरीद लिया तो आपको जो डॉ सॉफ्टवेयर वगैरह जो चाहिए, साउंड वगैरह चाहिए, वो भी इसके साथ पैक होकर आ जाता है, तो आपको अलग से जो है सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, आप उनको यूज़ करो। जब आपको लगेगा कि वो लिमिटेशन आपने क्रॉस कर दी या फिर लेट से वो थ्रेशोल्ड आपने पार कर दिया, अभी आपको और साउंड्स चाहिए, तब जाकर खरीद लो, या फिर बहुत फ्री में भी VST मिल जाती है, है ना। अच्छा, मैंने जो आपको ऑटो बटन दिखाया उससे क्या होता है कि अगर आप इसको एबल्टन लाइव के साथ यूज़ कर रहे हो या फिर लेट्स से प्रो टूल्स या फिर लॉजिक, ऐसे 3-4 DAWs हैं, आपको इंटरनेट पे इसकी लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस के साथ इसको डायरेक्ट लिंक होती है। डायरेक्ट लिंक इज अ की वर्ड, आपको लिखना पड़ेगा गूगल पर अगर सर्च कर रहे हो तो, कि AM Audio ऑक्सीजन 61 फोर्थ जनरेशन डायरेक्ट लिंक इंटीग्रेशन, तो आपको वहाँ पे कुछ डॉज के नाम मिल जाएंगे जिनके साथ ये डायरेक्ट लिंक होती है। मतलब कि अगर आपने उस डॉ को ओपन करके वहाँ पे अगर आपने सिलेक्ट किया कि मैं ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, और ऑक्सीजन पे अगर आपने ऑटो दबा दिया, मतलब दोनों एंड से ही वो करना पड़ेगा, अगर आपने कर दिया तो वो खुद ही जो है उसके साथ खुद को इंटीग्रेट कर लेगा। मतलब ये सारे जो बटन हैं, जिस बटन की जो फंक्शनलिटी होनी चाहिए वो सारी खुद ब खुद जो है सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको मिक्सक्राफ्ट के साथ यूज करूं तो वहां पे इसकी ऑब्वियसली इंटीग्रेशन नहीं है, बिकॉज मिक्सक्राफ्ट इज लेट्स जस्ट से द फैक्ट कि मिक्सक्राफ्ट को एज अ प्रो डॉ नहीं माना जाता है, बड़े बड़े स्टूडियोज में मिक्सक्राफ्ट में काम नहीं होता है। मैंने खरीदा था क्योंकि वो सबसे सस्ता था और मुझे फ्री डॉ में काम नहीं करना था, बिकॉज बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं। सो दैट्स द रीजन आई परचेस मिक्सक्राफ्ट व्हेन आई परचेस मिक्सक्राफ्ट। बट द पॉइंट इज कि उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती है, बट यहाँ पे तो मैं मैनुअली इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको, दैट इज पॉसिबल MIDI लर्न फीचर यूज करके, जिसके बारे में मैंने बात की थी वो MIDI वाली वीडियो में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर क्लिक करके देख लो। नाउ द पॉइंट इज कि इसकी अगर डायरेक्ट लिंक हो सकती है एबल्टन के साथ, देन व्हाई आई जस्ट डोंट ट्राई फॉर एबल्टन। एंड वही सोच के आज सुबह जो है मैं बैठकर इसको एबल्टन को सेटअप किया, एंड ये जो मैंने म्यूजिक बनाई, ये भी मैं इंडियन काइंड ऑफ म्यूजिक ही बना रहा हूँ। एबल्टन में नॉर्मली आपको जो म्यूजिकल एग्जाम्पल्स अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको हमेशा मिलता है कि वेस्टर्न, क्योंकि एबल्टन जो है वो इंडिया में उतना यूज़ नहीं होता है, आई मीन इन बिग स्टूडियोज आई एम टेलिंग, क्योंकि इंडिया में जो है अभी भी क्यूबेस और आपका प्रो टूल्स ये दोनों ही चलते हैं, एंड मैक वाले जो स्टूडियोज हैं उसमें लॉजिक चलता है। तो एबल्टन लाइव इज वेरी गुड, एंड स्पेशली इफ यू सी द नेम एबल्टन लाइव, इसको लाइव परफॉर्म करना बहुत आसान होता है उसके साथ। तो एबल्टन लाइव का ट्यूटोरियल ये नहीं है, तो मैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू नो अबाउट इट, यू कैन यू नो ड्रॉप मी अ कमेंट, तो वी कैन हैव अ वीडियो ऑन दैट एंड आई कैन एक्सप्लेन यू दोस थिंग्स। एनीवेज, तो होपफुली आपको पता चल गया कि कीबोर्ड कैसा है, एंड यू कैन लिटरली सी दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई प्राइमरी कीबोर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट यू नो अगले कुछ साल के लिए आई बिलीव सो, अगर ये दम नहीं तोड़ देता या फिर समथिंग डजंट गो रॉन्ग, होपफुली यू नो। सो लेट्स रोल द म्यूजिक, नीचे बताओ मुझे वो म्यूजिक आपको कैसा लग रहा है जो मैंने बनाया, यू नो जिंदगी में पहली बार बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली उतना तगड़ा शायद नहीं बनाया, बट इट्स स्टिल इन मेकिंग, बट आई प्ले इट फॉर यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।